तो है व्हाट इज अप गाइस, कैसा हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो भाई लोग स्वागत है एक नए वीडियो में। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा तो आप लोग बीजीएमआई अगर अगर खेलते होंगे जो अभी का जो अपडेट आया 3.4 का, उसमें गाइस किस तरह से अपने जो डिवाइस में जो लैग है या पिंग का इशू है या मतलब या पीएस ड्रॉप का इशू, वो कैसे फिक्स कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो को गाइस आखिर तक बने रहेगा, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप लोग को मैं इस वीडियो में 3 को ऐसे ट्रिक बताऊंगा जो कि गाइस पूरा यूट्यूब में आप लोग कोई नहीं बताया होगा, और उसके कारण जो आप लोग का गेम प्ले है वो भी गाइस उसके कारण गाइस क्या होगा, जो आपका जो गेम प्ले है वो भी गाइस इम्प्रूव होगा, और आपका जो FPS ड्रॉप होता है गेम के बीच में लास्ट सर्कल में वो भी गाइस आप लोग का सब मतलब फिक्स होने वाला आज की इस वीडियो में। तो गाइस आखिर तक जरूर बनेगा, जो जो चैनल पर नया है कृपया का लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। अब गाइस बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। जो पॉइंट नंबर 1 है वो गाइस आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, आप लोगों का जो डिवाइस का स्टोरेज है वो मतलब आप लोगों को लगभग से लगभग 70 GB तक खाली रखना है। मतलब 70 GB सॉरी मतलब बोल रहा हूँ, आई मीन 70% तक खाली रखना है। क्योंकि गाइस मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ किस लिए मैं आप लोगों को ये बात कह रहा हूँ, अगर आप लोग का अगर गाइस आप लोग का डिवाइस में कोई भी अगर फालतू वगैरह ऐप्स है उसको सबसे पहले आप लोग को डिलीट कर देना है। एंड देन गाइस आप लोग जितना हो सके उतना गाइस आपका जो UI है जो अपने जो आप लोग रेगुलर ऐप यूज़ नहीं करते उसको अनइंस्टॉल कर देना है। और अभी का गाइस जो 5G जमाना है उसके कारण गाइस आप लोग तो कभी भी आप लोग उस जो ऐप चाहिए उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, तो उसमें उतना कोई झमेला नहीं है। मतलब जिस डिवाइस पर अगर आप लोग गेम खेल रहे हो उस पर अगर आप लोग को 70% तक उसे रखना है। और उसके बाद का गाइस आप लोग को मैं सेकंड जो ट्रिक है आप लोग को बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को एक चैट दिखाऊंगा, आई मीन सॉरी एक चार्ट दिखाऊंगा, और उसको गाइस आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को आइडिया पता चल जाएगा कि आप लोग कितना GB किस डिवाइस में खाली रखना है और कितना तक खाली रखना है। जैसे मेरा जो डिवाइस है वो 128 GB तक है, तो इसको मैं मतलब 70 GB तक खाली रखा हूँ, ताकि गाइस जो BGMI जो जब गेम जब रन हो तब गाइस जब डिवाइस पे मेरा प्रेशर ना पड़े ज़्यादा, और ज़्यादा ऐप्स होने के कारण गाइस इस पर प्रेशर पड़ता है, और कम ऐप्स रहते तो भाई BGMI इजीली वर्क करता है। अब चले गाइस पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड टिप्स है वो गाइस आप लोग क्या करना है कि गाइस आप लोग को सबसे खेलने से पहले अपने डिवाइस को क्लियर कर लेना है। सपोज कि गाइस जो भी आप लोग का डिवाइस में जो आई मैनेजर या क्लीन मास्टर ऐसा कुछ मतलब ऐप सब होगा अलग अलग डिवाइस में अलग, सबसे पहले आप लोग क्लीन कर लेना है। उसके बाद अगर आपने डिवाइस को जो आप लोग रिस्टार्ट मारना है गेम खेलने से पहले, रिस्टार्ट मारने के बाद अगर आप लोग को क्या करना है एक बार उसके बाद अगर आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर डिवाइस है उसको गाइस एयरप्लेन मोड पर डाल देना, और गाइस किसी भी गाइस वाईफाई नेटवर्क से खेलना है। उसके कारण क्या होगा गाइस आप लोग का डिवाइस का जो परफॉर्मेंस है वो गाइस और ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। अब गाइस ये इसको गाइस यूज़ करके खेलेगा तो आप लोग को बहुत ज़्यादा स्मूथ चलेगा। अब गाइस जो टिप्स नंबर 3 की तरफ चलिए बढ़ते हैं। और गाइस जो टिप्स नंबर 3 है वो गाइस मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, जो टिप्स नंबर 3 है आप लोगों को हमेशा गाइस कूल वेदर पे खेलना है। सपोज किसी फैन वगैरह के सामने ताकि गाइस कवर को हटा के खेलना, ताकि गाइस आपको जो डिवाइस का टेम्परेचर वो गाइस मेंटेन रहे। तो गाइस आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आप लोग को क्या कहना चाह रहा हूँ। और गाइस ये जो आप लोग को मैं 3 टिप्स हैं बताया वो गाइस आप लोग डिवाइस पे खेलेंगे तो आप लोग बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। गेम का जो लैग वगैरह पिंग वगैरह का इशू सब गाइस फिक्स हो जाएगा, FPS ड्रॉप जितना भी है। तो गाइस एक बार यूज करके जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आके कि भाई ये सब आप लोग के गेम प्ले में इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं, FPS ड्रॉप जो हो रहा था वो गाइस इंप्रूव हुआ कि नहीं, आप लोग जरूर गाइस बताइएगा। और कोई भी अगर आप लोग को दिक्कत आ रहा हो वो भी गाइस जरूर बताइएगा। इंस्टाग्राम का ID मैं डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ, वहाँ पर भी आप लोग मुझे बोल सकते हैं, मैं आप लोग को तुरंत रिप्लाई दे दूंगा। तो बस गाइस आज के इस वीडियो में इतने ही। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना। चलते हैं गाइस मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।